चांडियो का कहना है कि इदारों की तौहीन का कभी सोच भी नहीं सकते, अदालत के फैसलों को हमेशा कबूल किया है। सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, पहले भी वफाकी हुकूमत की नाअहली से हमें नुकसान हुआ है, ऐसा नुकसान जिसकी तलाफी नहीं। आज जब हम सिक्योरिटी मांग रहे हैं तो वफाकी हुकूमत टाल मटोल कर रही है, देने से गुरेजा है। मौला बख्श चांडियो का कहना था कि वफाकी हुकूमत बिलावल भुट्टो को सिक्योरिटी देने में टाल मटोल कर रही है, वो पीपल्स पार्टी को कयादत से महरूम रखना चाहती है। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए मौला बख्श चांडियो का कहना था कि इदारों को माँ बाप की तरह देखते हैं, जिनसे शिकायत हो सकती है मगर कभी उनकी तौहीन नहीं की। अगर जमीन माँ है तो कुछ इदारे रियासत के अवाम के लिए माँ बाप के हो जाते हैं, और क्योंकि वो लोगों की सलामती में किरदार अदा करते हैं, वो लोगों की खुशहाली में किरदार अदा करते हैं, वो लोगों को बेहतर देखने में का काम करते। मुशीर तलाश सिंह का कहना था कि नौजवान सियासत की नाकामी की वजह से मायूस हैं। उनका कहना था कि इमरान खान को चाचा कहना पसंद नहीं तो अब उन्हें हीरो कह लिया करेंगे।